विदिका का लेटर पढ़कर देव को सदमा लगता है, पर एक और झटका उसका वेट कर रहा था। आईसीयू के बाहर उसकी मम्मी बोलती है, मेरी बेटी ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसको पता था कि पिछले 2 साल से उसके पापा बेरोजगार है और इसीलिए मेरे साथ अपनी कोचिंग के बाद हर दिन घर घर खाना बनाने तक आती थी। और वादा किया था मेरी बेटी ने मुझसे कि IIT हमारी सारी मुश्किलों का जवाब है, और आज देखो इसको मेरे सामने तक नहीं देख रही। ये सुनकर देव विदिका के पास जाके बोलता है, मैं हार गया यार। और हारा क्या, तुझसे तो मैं कम्पीट भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि मैं तेरे काबिल हूँ भी या नहीं, पर अब मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा मैं। जब तक तू ठीक नहीं हो जाती, जब तक तू अपनी आंखें नहीं खोलती, मैं यही हूँ। वेदिका यार प्लीज अपनी आंखें खोल। पर वो अपनी आंखें नहीं खोलती। मैं कभी भी गुस्से से बात नहीं करूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा, प्लीज अपनी आंखें खोलो। दिन बीत जाते हैं पर वो आंखें नहीं खोलती। मैं IIT में हर सेम में टॉप करूंगा। वेदिका प्लीज अपनी आंखें खोलो। महीने बीत जाते हैं पर वो आंखें नहीं खोलती। और देव दिन रात अपना सब कुछ छोड़कर आंखों में आंसू लिए हॉस्पिटल में वेदिका के सामने बैठा रहता है। वेदिका यार आज के बाद मैं कभी भी बैक बेंच पे नहीं बैठूंगा, प्लीज अपनी आंखें खोलो। और तभी, पर मुझे तो बैक बेंचर देव से प्यार है, अपनी पलके झपका कर वेदिका बोलती है,